राम की शक्ति पूजा महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की महानतम उपलब्धि है। यह उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। आज हम अध्ययन करेंगे राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना या केंद्रीय संवेदना क्या है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम देखेंगे राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना या केंद्रीय संवेदना क्या है। इस कविता की पृष्ठभूमि से आप भली भांति परिचित होंगे। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है, लेकिन जो शक्ति है, जो दुर्गा है, वह रावण के पक्ष में है, इसलिए भगवान राम बार बार पराजित हो रहे हैं। तो जामवंत उन्हें सलाह देते हैं कि आप भी शक्ति की मौलिक कल्पना करो, शक्ति की आराधना करो, साधना करो, ताकि वह आपके पक्ष में आ जाए और आप विजयी हो जाए। तो यह मैंने संक्षेप में बताया। अब इस कविता की मूल संवेदना या केंद्रीय संवेदना क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद या प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। इसका मूल रूप निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा था। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा या शक्ति छंद का प्रयोग किया गया है। इसे आप याद रखें, शक्ति पूजा या शक्ति छंद। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। यह बहुत ही संश्लिष्ट है, मतलब थोड़ी जटिल प्रतीत होती है। यह संरचना में भले ही जटिल है, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। महाप्राण निराला अत्यंत विद्रोही कवि थे। उन्होंने कविता में छंद की मुक्ति का प्रश्न उठाया कि कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिए इस कविता में उन्होंने अपने मौलिक छंद, जिसे हिंदी साहित्य में शक्ति छंद या शक्ति पूजा छंद के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग किया। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से अधिक, कहीं अधिक, बांग्ला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है, किंतु कृत्तिवास रामायण और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। ऐसा माना जाता है कि राम की शक्ति पूजा बांग्ला भाषा में रचित कृत्तिवास रामायण से प्रेरित है और उस पर आधारित है, लेकिन फिर भी इसमें पर्याप्त भेद है। पहला तो यह कि एक और जहां ये छोट ये की है पहला तो यह कि एक और जहां कृत्तिवास रामायण में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, तो वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। कृत्तिवास रामायण जहाँ पूरी तरह से पौराणिक कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है, लेकिन जो राम की शक्ति पूजा है वह आधुनिक धरातल पर आधुनिक काल की परिस्थितियों से प्रभावित है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। उनके युग की जो परिस्थितियां थी, भारत परतंत्र था, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, तो यह युगीन चेतना है इस कविता की। और आत्मसंघर्ष, भगवान राम के हृदय में जो चलने वाले संघर्ष हैं, जय और पराजय, कि विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो संशय है, जो अंतर्द्वंद है, जो उनके मन का संघर्ष है, तो इसे यह मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्पर्श करती है। इसका महाप्राण निराला जी ने बहुत ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। निराला बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक बंगाल में ही रहे और बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का रूप दुर्गा की पूजा होती है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। ऐसे में निराला ने राम कथा के इस अंश को ही अपनी कविता का आधार बनाकर उस निराश, हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया और अपने युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया। तो ये युगीन परिस्थितियां हैं उस कविता की। जब राम की शक्ति पूजा लड़ी गई, तब जो क्रांतियां हो रही थी,
जो आंदोलन हो रहे थे भारत में, यह उसकी युगीन परिस्थितियां थी। यह कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है और इसमें घटनाओं का विन्यास इस ढंग से किया गया है कि वे बहुत कुछ नाटकीय हो गई है। भले ही यह कविता है, लेकिन इसमें हम कथा जैसे हमको रस का बोध होता है, कथात्मकता है इसमें, नाटक जैसा बोध होता है। यह केवल एक कविता नहीं है, बल्कि इसको पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई कथा है। इस कविता का वर्णन इतना सजीव है कि लगता है आंखों के सामने कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है ना। यह कविता बहुत ही जीवंत है। त्रासदी मतलब होता है ट्रेजडी, दुख, लेकिन यहाँ पर दुखांत नहीं है, यहाँ पर इसकांत सुखांत होता है इस कविता का। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। इसलिए निराला युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। आजादी की जो लड़ाई है उसका उद्देश्य है भारत माता की मुक्ति। इसी प्रकार यह जो राम रावण के युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य है वह माँ सीता की मुक्ति है। जैसे भारत माता पराधीनता की बेड़ियों में जब जकड़ी हुई थी तो उसे स्वतंत्र कराना ही हमारा मुख्य लक्ष्य था, वैसे ही इस कविता में जो मुख्य लक्ष्य है वह माँ सीता की मुक्ति है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में रचित है। यह अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इसे महाप्राण स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की महानतम उपलब्धि कहा जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि यदि निराला जी ने केवल एकमात्र कविता यही लिखी होती तब भी हिंदी साहित्य में उनका नाम अमर करने के लिए यह कविता पर्याप्त है। यह बांग्ला भाषा के कृतिवास रामायण पर आधारित है। बांग्ला भाषा में जो कृतिवास रामायण रचित है यह उसी पर आधारित है, लेकिन इसके साथ ही देवी भागवत और शिव महिमा स्रोत का भी इस पर प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा में कुल 312 पंक्तियां हैं। यह इसकी रचना शक्ति पूजा या शक्ति छंद में की गई है। यह निराला का अपना मौलिक छंद है। निराला ने एक नवीन छंद का निर्माण किया, आविर्भाव किया, जिसे कहा जाता है शक्ति पूजा या शक्ति छंद। निराला कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला जी का कहना था कि कविता को छंद के बंधन से मुक्त होना चाहिए, नदी की तरह प्रवाहित होना चाहिए, स्वच्छंद और उन्मुक्त। महान आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। ओज मतलब होता है तेजस्विता, बहुत ही तेजस्वी कवि हैं, और औदात्य मतलब होता है सबलाइन, मतलब सुप्रीम, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत। औदात्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सबलिमिटी। यह औदात्य शब्द पश्चिम में एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं लंजाइनेस, उन्होंने औदात्य की विचारधारा दिया है। उस पर मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सबलाइम या सबलिमिटी। अब यहाँ से हमारी केंद्रीय संवेदना या मूल संवेदना प्रारंभ होती है कविता की। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना या मूल संवेदना की वाहक है। इसका तात्पर्य है असंभव मनुष्य की अपराजेय जिजीविषा के लिए अजनबी शब्द है। साधारण शब्दों में कहें तो मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो यही इस कविता की मूल संवेदना है। भगवान राम बार बार पराजित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक आशा है, एक उम्मीद है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, मैं अवश्य रावण पर विजय प्राप्त करूंगा। आखिर उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में वे विजयी हुए। राम की शक्ति पूजा स्वर्गीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। यह शक्ति के वास्तविक रूप के खोज की प्रक्रिया है। शक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है, इस कविता में राम शक्तियुक्त तो होकर अवतरित नहीं हुए हैं। शक्ति यहाँ एक निरपेक्ष सत्ता है, मतलब आम जनता शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन जब संगठित हो जाती है तब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ पर भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है, जो शक्तियुक्त होकर अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि इन्होंने यहीं पर शक्ति हासिल की। इसलिए शक्ति यहाँ एक निरपेक्ष सत्ता है। इसलिए यह कविता अवतारवादी या लीलावादी अवधारणा का निषेध करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति शक्ति संपन्न होकर पैदा नहीं होता, वह इसी दुनिया में शक्ति हासिल करता है, सामर्थ्य हासिल करता है, सफलता प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। यह कविता तनाव और संशय के माध्यम से विश्वासों के पुराने ढांचे में एक दरार पैदा करती है। इस दरार में राम की शक्ति पूजा की आधुनिकता और सृजनात्मक मौलिकता के बीज निहित है। मतलब हमारे जीवन में तनाव के क्षण आते हैं, संशय के क्षण आते हैं, निराशा के क्षण आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा मन है वह हमेशा अपराजेय है,
इसमें जिजीविषा है कि वह एक दिन अवश्य विजयी होगा और यही हमें सफल बनाती है। तो इसमें आधुनिकता और सृजनात्मकता और मौलिकता के बीच निहित है। इस कविता में कई स्थानों पर दैव की चर्चा की गई है, गॉड गॉड की चर्चा की गई है। दिव्य शक्ति पर विश्वास परिस्थितियों के कारण है, किसी विचारधारा के कारण नहीं। मतलब भगवान राम परिस्थितिवश इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। राम की शक्ति पूजा एक पौराणिक घटना की पुनर्सृष्टि नहीं है, सिर्फ यह भगवान राम की कथा की पुनर्सृष्टि नहीं है। राम की शक्ति पूजा कि भगवान राम की कथा रामचरितमानस में है या फिर कृतिवास रामायण में है, तो यह उस कथा की पुनर्सृष्टि नहीं है, बल्कि यह क्या है, समकालीन तनाव और आकांक्षाओं के संदर्भ में एक पुराने विश्वास और कथानक का रूपांतरण है। मतलब भगवान राम की जो पौराणिक कथा है, जो मिथक है, उसको वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, भारत की आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। राम की शक्ति पूजा शक्ति के संधान की रचनात्मक व्याख्या है। इस कविता का मूल सूत्र है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। मतलब मौलिक रूप से आप शक्ति को धारण करो, शक्ति का संधान करो, शक्ति को हासिल करो। शक्ति के वास्तविक स्वरूप की खोज राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय समस्या है, है ना। वास्तविक रूप से हमको शक्ति के वास्तविक स्वरूप का खोज करना है। यह समस्या ही राम की शक्ति पूजा को पौराणिकता से और मध्यकालीन विश्वासों से अलग करती है। पौराणिक रूप से तो भगवान राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्ति संपन्न है, लेकिन जो यहाँ पर राम की शक्ति पूजा के जो राम है वह साधारण मनुष्य हैं, और यही इसे पौराणिकता से और मध्यकालीन विश्वासों से अलग करती है राम की शक्ति पूजा को। राम की शक्ति पूजा आधुनिक भावबोध या ऐतिहासिक चेतना पर आधारित निराला और छायावाद की एक सृजनात्मक और महानतम उपलब्धि है। इसमें शक्ति की प्रकृति की नई व्याख्या की गई है। यहाँ राम प्रतीक के रूप नहीं है, यहाँ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, पौराणिक राम नहीं है जो शक्ति संपन्न है, बल्कि राम मनुष्य हैं। एक राम मध्यकाल के हैं और दूसरे राम निराला के हैं। ये इतिहास के दो ध्रुवों के नाम हैं। एक राम तो पौराणिक हैं, जो तुलसीदास के राम हैं, वाल्मीकि के राम हैं, रामायण के राम हैं, जो पौराणिक हैं, जो शक्ति संपन्न हैं। लेकिन यहाँ पर जो राम हैं वह निराला के अपने राम हैं, जो सभी कमजोरियों के साथ, जो मनुष्य में पाई जाती है, इन कमजोरियों के साथ एक साधारण मनुष्य हैं, हमारे जैसे मनुष्य हैं। ये इतिहास के दो ध्रुवों के नाम हैं। तो यहाँ पर एक राम तो मध्यकाल के हैं, पौराणिक हैं, और दूसरे राम निराला के अपने राम हैं। कविता एक प्रकार से अपने समय का निष्कर्ष होती है। कविता समय का निचोड़ है। इतिहास के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में कविता के रूप में अपने समय का निचोड़ है राम की शक्ति पूजा। मतलब उस समय की जो युगीन परिस्थितियां थी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, तो उस समय युगीन परिस्थितियां अर्थात समय का निचोड़ है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा हिंदी की सृजनात्मक कल्पनाशीलता की चरम उपलब्धि है। भाषा, बिंब, छंदों का प्रवाह और नाद योजना की दृष्टि से यह कविता अभूतपूर्व कही गई है। छायावाद की जितनी भी काव्यात्मक विशेषताएं हो सकती हैं, उन सभी को अपने रचना विधान में समेटती हुई यह कविता उन्हें शिखर तक पहुंचाती है। छायावादी काव्य की जितनी भी विशेषताएं हैं यहाँ पाई जाती है। इसके साथ ही छंद, बिंब, भाषा, नाद, नाद सौंदर्य, नाद योजना, इन सभी की पराकाष्ठा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। राम की शक्ति पूजा नाटकीय विधान में संयोजित और रचित कविता है, एक नाटक जैसी कविता है। पूरी कविता मुख्य रूप से 3 दृश्य खंडों में विभाजित है। पहला दृश्य है युद्ध का वर्णन और सेनाओं का लौटना। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। मतलब कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो रहा है और शाम को सब अपने, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट जाती हैं। यह पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य है सानू सभा। सानू मतलब होता है पत्थर की शिला। पत्थर की शिला पर भगवान राम बैठे हुए हैं, बहुत ही चिंतित हैं कि मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, सामने सागर लहरा रहा है, उसका साफ सुथरा पानी है, और एक सफ़ेद शिला पर भगवान राम बैठे हुए हैं। यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है। एक में युद्ध है, फिर युद्ध समाप्त है, सेनाएं सूर्यास्त होने पर अपने अपने शिविरों में लौट गई हैं। राम का यह निष्कर्ष है कि युद्ध हारा जा चुका है। उसमें विभीषण और जामवन का कथन है। भगवान राम कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, धरके दृक से दो नयन जल। इसमें विभीषण और जामवन का कथन है।
दूसरे दृश्य का सबसे नाटकीय क्षण वह है जब विभीषण के लंबे भाषण के बाद सारी सभा स्तब्ध हो जाती है। निराला ने जैसे रंग संकेत दिया है, रंग संकेत होता है नाटकों में, सब सभा रही स्तब्ध, पूरी सभा शांत हो गई, सन्नाटा छा गया। यह स्तब्धता मंच पर एक नाटकीय क्षण होता है। कभी कभी मंच में कोई पात्र कुछ नहीं कहता, किसी नाटक में एकदम स्तब्धता छा जाती है, तो यह भी एक नाटकीय क्षण होता है। इस नाटकीयता का दूसरा पक्ष संवाद योजना है। इस कविता में बहुत ही बेहतरीन संवाद योजना की गई है, जैसे नाटकों में होती है। पूरी कविता संवाद के विधान में विन्यस्त है, इसलिए राम की शक्ति पूजा वर्णन की कविता नहीं है, वह संवादों के माध्यम से घटना व मना स्थितियों की अभिव्यंजना करती है। मतलब इस कविता की जो संवाद योजना है वह नाटकों से भी बेहतरीन है। इसके संवाद योजना बहुत ही बेहतरीन है, तो इसमें केवल कथा का वर्णन नहीं है बल्कि संवादों की भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था उन्होंने की है। तीसरा और अंतिम दृश्य है शक्ति की साधना। जब भगवान राम बार बार पराजित हो जाते हैं तो जामवंत उन्हें कहते हैं कि आप शक्ति की मौलिक कल्पना करो, शक्ति की साधना करो, शक्ति की आराधना करो और उन्हें अपने पक्ष में करो। तो भगवान राम उसके लिए तैयार होते हैं। राम की शक्ति पूजा में कई महत्वपूर्ण पात्र हैं। पात्रों के संवाद और पात्रों की अभिव्यक्ति से निराला उनकी आंतरिक स्थिति का उद्घाटन करते हैं। मतलब पात्रों के जो संवाद हैं उनसे पता चलता है कि उनकी मन स्थिति क्या है, क्या वे अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा में परिस्थिति की प्रतिकूलता राम की भीतरी आस्था को तोड़ती है। वैसे तो राम आस्थावान है कि उन्हें विजय मिलेगी, लेकिन चूंकि परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हो चुकी हैं, वे रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उनकी भीतरी जो आस्था है वो टूटती है, उनका विश्वास टूटता है। इसलिए राम की शक्ति पूजा में राम की मना स्थितियों का उद्घाटन अनेक स्थानों पर किया गया है। उनमें सबसे प्रभावशाली स्थल है दिग जीवन को जो पाता आया ही विरोध, दिग साधन जिसके लिए किया हो सदा शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जब पूरे अपने जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो भगवान राम पाते हैं कि बार बार ही उनका विरोध होता आया है और बार बार ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है और वो बहुत दुखी होते हैं कि हे प्रिय, हे सीता, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर भगवान पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। राम जो है एक मनुष्य के रूप में है, वे पूरी तरह से निराश हो चुके हैं कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, रावण पर शायद मैं विजय न प्राप्त कर पाऊं, शायद मैं सीता की मुक्ति न करवा पाऊं। राम की शक्ति पूजा में अद्भुत आकस्मिकता है, मतलब सडन अलग अलग दृश्य उपस्थित होते हैं। शक्ति साधना के अंत में आखिरी कमल चढ़ाया जाना है, लेकिन वहां कमल नहीं है, फिर एक मना स्थिति है, उस मना स्थिति में भी द्वंद है। तो राम की शक्ति पूजा में अंत में भगवान राम जो शक्ति है, जो दुर्गा है, उसकी आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए उन्हें 108 कमल पुष्प की आवश्यकता है। हनुमान जी कमल पुष्प लाकर रखे हुए हैं, लेकिन जब वो 107 कमल चढ़ा चुके होते हैं और आखिरी कमल चढ़ाने वाले होते हैं तो माँ दुर्गा है जो शक्ति है उनके कमल फूल को चुरा लेती है। तो भगवान राम के पास अब कमल नहीं है। फिर उनके पास अंतर्द्वंद है मन में कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कमल नहीं है, तो यह मेरी जो साधना है वह खंडित होने जा रही है, ऐसा भगवान सोचते हैं। लेकिन तभी उसे उसी समय उन्हें याद आता है कि जब वे छोटे थे, जब वो बचपन में माँ उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। राजीव से तात्पर्य होता है कमल, मतलब कमल जैसे नयनों वाले, राजीव नयन, राजीव लोचन, राजीव मतलब होता है कमल। यह बात उन्हें याद आती है तो अपनी साधना को पूरी करने के लिए, शक्ति की आराधना को पूरी करने के लिए वो सोचते हैं कि अब 108वां कमल तो मेरे पास नहीं है, मैं अपनी आंख को ही निकालकर माँ दुर्गा को अर्पित कर देता हूँ, शक्ति को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा कहकर जब वो अपना बाण निकालते हैं तब उसी समय शक्ति वहाँ पर प्रकट होती है और उनको आशीर्वाद देती है, जय होगी, जय होगी, जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन, कि हे पुरुषोत्तम तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी जय होगी। तो माँ दुर्गा यहाँ पर उनका परीक्षा लेती हैं और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना आँख माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए, बाण से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनके मन में एक अंतर्द्वंद है। तो यह बहुत ही बेहतरीन कविता है इस आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं बिंब निराला की सृजनात्मक ऊर्जा का एक प्रभावशाली उपकरण है जो राम की शक्ति पूजा का उदात्त भाव में प्रदान करता है। उन्होंने बिंबों का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। बिंब जैसे कि राजीव नयन है ना, राजीव नयन मतलब कमल जैसे नयन,
राम की शक्ति पूजा की बीम योजना है उसके प्रभाव को बहुत ही गहन बनाया है, मतलब बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया है इस कविता को उनकी बीम योजना ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में प्रतीकवाद का उतला रूप कहीं नहीं है, उन्होंने प्रतीकों का भी भरसक प्रयास बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि हैं, उनकी कविता में प्रतीक योजना पर मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ मैंने प्रतीक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, उसे आप जाकर जरूर देखें। और ऐसे ही मैं बहुत सारे एपिसोड से लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाकर महादेवी वर्मा की काव्य में प्रतीक योजना पर जो मेरा वीडियो है उसे जरूर देखें, यदि प्रतीक के विषय में आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में प्रतीकवाद का उतला रूप कहीं नहीं है, यह कविता शब्दों में निहित स्थितियों की बहुआयामी व्यंजना करती है। यहाँ अंधकार मानसिक स्तर पर है, पराजय बोध के स्तर पर है, निराशा है, युग परिवेश में है, सृजनात्मक थकान है, जिजीविषा है, संघर्ष की चेतना है, विरोध है, और वह अंतिम उम्मीद है जहाँ से जीने के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पराजय बोध है, निराशा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर एक जिजीविषा भी है, जीतने की इच्छा भी है, जीने की इच्छा भी है, कि मन में कहीं एक चिंगारी है दबी हुई कि मैं अवश्य विजयी होऊंगा, मैं अवश्य जीऊँगा। और यही चिंगारी हमें हमारी जो क्रांति की जो लड़ाई है, जो माँ सीता को जो हमें मुक्त कराने के लिए जो उनके मन में जो चिंगारी की तरह उत्पन्न होती है, और यहीं से एक निर्णायक लड़ाई शुरू होती है। राम की शक्ति पूजा के छंद को शक्ति छंद कहा जाता है। इसमें छंद के प्रवाह के साथ गद्य का ठहराव भी है, मतलब कविता का प्रवाह भी है और गद्य का ठहराव भी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राम की शक्ति पूजा अपने स्थापत्य के विशिष्टता के कारण महाकाव्य की गरिमा को स्पर्श करती है। राम की शक्ति पूजा का स्थापत्य महाकाव्य का है, महाकाव्य मतलब जिसमें किसी महान व्यक्तित्व के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है ना, जो बहुत ही उदात्त होता है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदात्तता के तत्व होते हैं, श्रेष्ठता के तत्व होते हैं, जो किसी महान व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित होता है वह होता है महाकाव्य। तो कई आलोचकों का यह कहना है कि यह महाकाव्य की, जिसे एपिक पोएट्री कहते हैं इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एपिक पोएट्री, है ना, पोएट्री, एपिक पोएट्री मतलब महाकाव्य। तो इसे कहा जाता है कि यह महाकाव्य के रूप में वर्णित है, यह महाकाव्य के स्तर को स्पर्श करती है। जहां तक राम की शक्ति पूजा के महाकाव्य तक होने का प्रश्न है, तो इसमें संदेह नहीं है कि इस कविता का रचनात्मक औदात्य है। इसमें क्या 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 दिया इन्होंने हमारे जीवन में, भाषा की दीप्ति, बिंबों की विराटता और प्रतीकों की युग व्याप्ति, ये इसे एक महाकाव्य तक काव्यात्मक आयाम देते हैं। लेकिन निराला इस रचना में राम के वैयक्तिक मन के विभिन्न पक्षों की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति भी देते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त होती हुई यह कविता एक गीतात्मक प्रभाव की सृष्टि करती है। यह कविता महाकाव्यात्मकता और गीतात्मकता को एक संतुलित बिंदु पर आत्मसात करती है। तो यह हो गया आपका उपसंहार। तो इस प्रकार हमने देखा कि राम की शक्ति पूजा जो महाप्राण निराला के जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, उसकी मूल संवेदना क्या है, उसकी केंद्रीय संवेदना क्या है। यदि यह मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ऐसे बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स मैं आपका लेकर आऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।